हेलो डियर स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे होम टैब की शॉर्टकट कीज के बारे में जैसे हमें शॉर्टकट कीज का यूज करना है देखिए होम टैब में जैसे हमारे फाइव टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं जैसे एक होता है हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप एक होता है हमारा फोन ग्रुप एक होता है हमारा पैराग्राफ ग्रुप एक होता है स्टाइल ग्रुप एक होता है हमारा एडिटिंग ग्रुप तो देखिए जैसे हम लोग होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप की शॉर्टकट कीज के बारे में बात करते हैं जैसे क्लिपबोर्ड में हमारे होता है कट कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर देखिए कट की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस एक्स यानी कि अगर आपको किसी भी वर्ड को या पैराग्राफ को कट करना है तो फर्स्टली आप उसको क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रो प्लस एक्स तो उससे क्या होगा कि जो भी वर्ड आप कट करना चाहते हो वो कट हो जाएगा कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी पेस्ट की होती है कंट्रो प्लस वी फिर होता है फॉर्मेट पेंटर देखिए फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस सी यानी कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग जिस वर्ड में कर रखी है आप उसको पहले कॉपी करेंगे देन जिस अदर टैक्स में आपको अप्लाई करनी है तो आप करेंगे कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस वी ये फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है फिर हम फॉन्ट ग्रुप के बारे में बात करते हैं फॉन्ट ग्रुप में हमारा होता है फॉन्ट फैमिली फॉर्म फैमिली की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस एफ होती है देन फिर होता है आपका फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज की जो शॉर्टकट कीज होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी फिर होता है ग्रो फोन ग्रो फोन की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन श्रिंक फोन की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन फिर इसमें होता है बोल्ड देखिए बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी इटैलिक की होती है कंट्रोल प्लस आई अंडरलाइन की होती है कंट्रोल प्लस यू सबस्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू एंड सुपर स्क्रिप्ट की होते है कंट्रो प्लस सिर्फ प्लस प्लस होती है ठीक है डियर स्टूडेंट्स फिर होता है पैराग्राफ पैराग्राफ में अगर आपको किसी भी पैराग्राफ को या वर्ड को लेफ्ट में करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल राइट right में करना है तो कंट्रोल प्लस आर सेंटर में करना है तो कंट्रोल प्लस ई e होती है जस्टिफाई यानी हमें पैराग्राफ को एक सिक्वेंस में करना है तो कंट्रोल प्लस जे होती है देन इसके बाद होता है एडिटिंग में हम चलते हैं उसमें होता है फाइंड फाइंड की जो शॉर्टकट की है, होती है कंट्रोल प्लस एफ होती है और रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रो प्लस एच होती है और सेलेक्ट ऑल की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रो प्लस ए होती है थैंक यू डियर स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए